आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू यूपी दौरे पर है। वेंकैया नायडू अपनी पत्नी उषा नायडू के साथ अयोध्या पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा अर्चना की। उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रहे। उपराष्ट्रपति ने दर्शन पूजन के साथ ही वहां बन रहे मंदिर का 3D मॉडल भी देखा। साथ ही वेंकैया नायडू विशेष ट्रेन से वाराणसी पहुंचे। उपराष्ट्रपति का बनारस स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया, जहां काशी विश्वनाथ धाम समेत अन्य मंदिरों में दर्शन पूजन के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्थित स्मृति स्थल जाएंगे। योगी सरकार 2.0 में विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ। आज फिर राजधानी लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी के नेतृत्व में बैठक शुरू हुई थी, जिसमें सीएम के साथ मुख्य सचिव सहित सभी उच्च अधिकारी शामिल हुए। बता दें कि औद्योगिक और अवस्थापना विभाग का प्रेजेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन के साथ सीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। लोक भवन में सीएम योगी के निर्देशन में बैठक हुई, जिसमें सभी मंत्री मौजूद रहे और सीएम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज प्रेजेंटेशन करवाया गया। खबर औरैया के बिधूना से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के 42वीं स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अपर्णा यादव पहुंची, जहां अपर्णा यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने दूसरी बार राष्ट्रवाद पर काम करने वाले दल को सरकार बनाने का अवसर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अब गुंडे माफिया ठीक हो जाएंगे। लखनऊ में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने एयरपोर्ट की फेंसिंग कराई, जिसमें किसानों के विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है। बता दें कि किसानों और एयरपोर्ट की जमीन पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं SDM सरोजनी नगर आनंद कुमार सिंह ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम पर दर्ज है। लोग रोके हैं, ये लोग नहीं मानते, फोर्स का सहारा लेके आज के दिन ये जो है अपना जो है वकीलों को भी बुला लिए। मैं भी पैसे से वकील हूँ भाई, आज ये भी बुलाए हैं 50 साठ करीब जो है 300 वकील हैं यहाँ पे, जो बलपूर्वक जो कब्जा करा रहे हैं। पेपर लीक मामले में 16 अप्रैल को बलिया जनपद में बलिया बंद का आह्वान किया गया है। इसी पर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि बंद का समर्थन करें, क्योंकि ना ईमान सुरक्षित है ना संविधान सुरक्षित है, हर जगह भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारी है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बंद का जो आह्वान किया गया है, उसमें आप अपना सहयोग प्रदान करें,
और अपने प्रतिष्ठान को, दुकान को और सबको बंद रखें और प्रमाणित किया जाए कि बलिया की धरती पर बलिया विधानसभा क्षेत्र से भी व्यापारी और बाजार बंद करके इस आंदोलन को समर्थन प्रदान कर रहे हैं। रायबरेली में एटीएम कार्ड बदल कर पैसे निकालने वाला एक गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जिले में कई घटनाओं के बाद यहां की ऊंचाहार पुलिस ने प्रतापगढ़ के रहने वाले चार युवकों को पकड़ा। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वो अब तक रायबरेली समेत कई जिलों में कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। वहीं पकड़े गए शातिरों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाह और एटीएम कार्ड सहित 13,000 रुपए को बरामद किया है। जलमऊ और लालगंज क्षेत्र से चोरी की गई थी, उनको भी बरामद किया गया है। और जो सभी शातिर चोर हैं, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। और इसमें से एक चोर जो कि जलमऊ क्षेत्र में मोटरसाइकिल मैकेनिक भी था, वो बड़ी सफाई से जैसे ही कोई मोटरसाइकिल चोरी होती है उसको तुरंत खोल के कुछ देर के लिए अलग रख देता था, और उसके बाद जब कुछ दिन बाद उसकी तलाश बंद हो जाती थी तो उसका नंबर प्लेट बदल के फिर जो भी फिर उसको चला लेता। अलीगढ़ में अजान और लाउड स्पीकर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासनिक अनुमति के बगैर ही अब कई जगह पर अलग अलग हिंदूवादी संगठनों के लोग मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर चुके हैं। वहीं हिंदू महासभा कार्यालय पर दो बड़े लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए लगाए गए हैं। देखिए, संविधान के जिस नियम का मुसलमान लोग उल्लंघन कर रहे हैं और जिस तरीके से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में अजान बजा करके, उसके विरोध में आज हमने अभी ये फैसला किया है कि कब तक हम केवल हिंदू लोग नियम का पालन करें और ये लोग हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को, हमारी भावनाओं को, हमारे संवैधानिक अधिकार को जो है ठेस पहुंचाते रहे। तो इसके विरुद्ध हमने आज फैसला किया है कि अगर इनके लाउड स्पीकरों पे जो है अजान होगी तो अब हम भी लाउड स्पीकरों पे अपने वेद मंत्र और अपना हनुमान चालीसा बजाएंगे। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में तहरीर दी गई है। अधिवक्ता सुभेंद्र सत्यदेव ने कुलपति और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कैंट थाने में तहरीर दी है। अधिवक्ता ने विश्वविद्यालय के कुलपति सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ध्वज के अपमान से संबंधित मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में नाबालिग किशोरी का शव बरामद हुआ है। किशोरी का शव बरामद होने के बाद परिवार ने दुष्कर्म के बाद हत्या की बात कही है। इस मामले में पीड़ित परिवार के लोगों ने CISF रोड को जाम कर दिया। हंगामा करते हुए परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए अब पीड़ित परिवार की मांग है कि दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन की बात मान के साथ इंसाफ हो रहा है। वो गाड़ी लेके उधर भाग रहे हैं, यहाँ से साइड हो रहे हैं, भिसक रहे हैं, इधर से इंसाफ दिलाने का कदम हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। ये देखिए गाड़ी उधर भिसक रहा है तो हमें इंसाफ दिलाने और बोलते हैं गाड़ी सुरक्षित है, दिन दहाड़े बहन बेटियों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, इंसाफ दिलाने। खबर लखनऊ से है, जहां पर हिट एंड रन मामले में कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं गोसाईगंज पुलिस ने मुख्य आरोपी आशीष यादव और राजकुमार समेत तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। इस घटना को आपसी कहासुनी के बाद अंजाम दिया गया है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी और मृतक पीड़ित परिवार की तरफ से नामजद मुकदमा कराया गया है। बिल्कुल, ये गैंग में कुछ लोग हम पहले भी जेल भेज चुके हैं। इसी गैंग के कुछ मेंबर
सुशांत गोल्ड सिटी में हम जेल भेज चुके हैं और इसके बाद भी अभी एक दो हमने और पकड़े हैं और पूरा गैंग की तरह ये काम करते हैं। ये मारपीट के इनके कुछ मुकदमे हैं। इन सभी गैंग के एक एक मेंबर को पकड़कर जेल भेजा जाएगा और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में लुटेरी पुलिस ने युवक को एसटीएफ कर्मी बनकर ठगा है। दरअसल मड़ियाव थाने में तैनात सिपाहियों ने एसटीएफ कर्मी बनकर युवक से ठगी की है। इस घटना में अतुल सिंह के साथ पिस्टल की नोक पे अगवा हजारों की ठगी हुई है और ठगी छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए की गई थी। तैनात सिपाही सुधीर सिंह और अनिल सिंह गिरफ्तार हो गए। इस पूरी घटना में 2 लोग शामिल थे। ये मामला मड़ियाव थाना क्षेत्र का है। इसमें शिवांशु मिश्रा जो है वो इनके जानकार थे जो अतुल सिंह बादी हैं और इनकी हेल्प की थी जगदीश लोधी ने। तो गई पैसे का ही लेन देन का मामला है पूरा, वो अब विवेचना होगी, सब चीजें इसमें क्लियर होंगी। फिलहाल चारों खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये धाराएं आपकी 392, 365 और 120 अभी गिरफ्तारी कर रहे हैं। रायबरेली के सलोन विकास खंड में एक गरीब महिला का घर संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर राख हो गया। आग की लपटों को देखकर फायर ब्रिगेड को फोन लगाया गया था। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने के लिए पहुंचे थे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि वो पिछले 1 साल से बीमार चल रही थी और घर से जलने से उसे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कानपुर में सार थाना क्षेत्र के गंभीरपुर गांव में संदिग्ध हालत में रोड किनारे बोरे में गाय के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ कार सवार लोगों ने बंद बोरे को सड़क किनारे फेंक दिया था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरे को कब्जे में लिया और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लोगों ने बताया कि 2 बजे के लगभग एक वैगनार गाड़ी आई थी जिसका नंबर तो कोई देख नहीं पाया है। बहुत तेज 80 की स्पीड में गली के अंदर घूमती रही, गली थी बंद, वहाँ से गाड़ी वापस आई, उसके बाद फिर रामपुर रोड से निकल गई है। अच्छा, कितने बोरों में बंद अवशेष पाए गए? लगभग 4 बोरों में। संभल के कस्बा बबराला के पास एक घर में भीषण आग लग गई है। जानकारी मिली कि शॉर्ट सर्किट होने के बाद बिजली के बोर्ड में आग लग गई और बिजली बोर्ड में लगी आग पूरे घर में फैल गई। आग के विकराल रूप को देखकर स्थानीय लोगों ने मौके से दमकल विभाग को सूचना दी और आग पर काबू पाने की कोशिश की। आग में घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इसके बाद हालांकि लेखपाल कुलदीप यादव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। खबर गाजियाबाद से है जहां पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के शार्प शूटर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सभी आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे और सभी पर हत्या डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। वहीं सभी आरोपियों को पुलिस ने बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में असलहा बरामद किया गया है। देखिए, जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध अभियान जो चल रहा था उसमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें विजयनगर ओवरब्रिज के नीचे मुखबिर की सूचना पे जब हम लोगों ने चेकिंग करी तो हम लोगों को इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। पूछताछ में इनसे पता लगा कि इसमें नागेश नाम का एक शार्प शूटर भी है जो कि सुंदर भाटी गैंग का एक सक्रिय सदस्य है। इनके पास से हमको भारी मात्रा में अवैध असले मिले हैं। इनके पास से हमको 4 अवैध पिस्टल, 2 तमंचे, 19 मैगजीन और साथ में लगभग 40 से ज़्यादा जिंदा कारतूस मिले हैं। इसी के साथ इनके पास से 50 से ज़्यादा बरामदगी भी हुई। पकड़े जानों में बाकी जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनका भी विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसमें आकाश त्यागी नाम का एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो कि अवैध असलों की तस्करी करता है। लखीमपुर खीरी में स्नैचिंग जैसी घटनाएं रुकती नजर नहीं आ रही हैं, तो वहीं बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने नहर पटरी पर भाजपा जिला अध्यक्ष के आवास के सामने से महिला के कान की बाली छीनकर भाग गए। बता दें कि कुछ दिन पहले बदमाशों ने काशी नगर में भी स्नैचिंग कर पुलिस को चुनौती दी थी। इलाके में स्नैचिंग जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही और इसके लिए पुलिस ने कड़े निर्देश भी जारी किए हैं।
तस्वीरों में देख सकते हैं आप, सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हो गई है जहां महिला के साथ कान की बाली को छीना गया है। चेन स्नैचिंग की खबरें लगातार सामने आ रही है और अब पुलिस ने कड़े निर्देश भी दिए इस पे लगाम लगाने के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।